जिसे कहते हैं सियाचिन बेस कैंप। ज्यादा देर यहाँ रुकना ना सही है नहीं। ये देखो इस वाले रास्ते से मैं आ रहा हूँ, ऐसा पहाड़ मैंने कभी नहीं देखा भाई। तकरीबन 2 घंटे से यार मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैं चलाया जा रहा हूँ, बारिश हो रही है, चलाया जा रहा हूँ मैं। सियाचिन के पहाड़ भाई, और यहाँ सियाचिन वॉरियर्स का राज चलता है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। देख रहे हो ऊपर पहाड़ देख रहे हो भाई आप, मतलब सीन है भाई, कुछ भी बोलो। खराब मौसम में क्यों है, और आसपास के पहाड़ इतने ज्यादा खूबसूरत है ना यार। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है भाई। आप कहाँ से आए हो? मैं तुर्तुक से। अच्छा, तुर्तुक में कैसा है कल्चर? बहुत अच्छे से बल्ती कल्चर है। हाँ जी, हाँ, इन पहाड़ों के ऊपर सेना है। सेना है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं हुंदर से निकलकर अपना सारा सामान पैक करके इन रेतीली हवाओं से लड़ते हुए और इन बच्चों से मिलते हुए सुमुर के गांव के नज़ारे देखते हुए पहुंच जाता हूं सुमुर के विलेज के आगे। वो व्लॉग काफी लंबा हो रहा था इसलिए उस व्लॉग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अभी की कहानी ये है कि मैं जा रहा हूँ सियाचिन बेस कैंप, और रास्ते में ना बारिश आ गई थी, मैंने सारा रेनकोट वेनकोट सब पहन लिया, बारिश चली गई है। अभी अभी पहना है और अभी अभी बारिश शांत हो गई है, लेकिन मैं अभी निकालूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ आगे, बारिश ना मिल जाए इसलिए मैं इसको पहन के रखूंगा। अपना देखो ये GoPro, ये पन्नी उन्नी लगा के एकदम पैक कर दिया है, और अपने आप को भी पैक कर दिया भाई सर से लेके पांव तक। काफी ज्यादा देर से मैं इग्नोर कर रहा था कि यार अभी पहनूंगा, फिर यार गीला ही होता जा रहा था, मैंने सोचा पहन ही लेते हैं। ठीक है चलो अभी चलते हैं। ठंड लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है भाई, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई सियाचिन बेस कैंप में अगर पोस्टिंग हो जाती है ना किसी आर्मी वाले की, तो वो बहुत टफ होता है, समझ रहे हो, बहुत टफ लाइफ होती है उनकी। और पनामिक यहाँ से है 14 किलोमीटर, पनामिक से भी 55 किलोमीटर है सियाचिन बेस कैंप। थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे की खबर के साथ। कहा जाता है कि सिंहासन, शमशान और शिखर पर आदमी अकेला ही पहुंचता है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 20 किलोमीटर से मैंने किसी आदमी की शक्ल नहीं देखी है, और यहां अकेला मैं इन वादियों में आगे बढ़ता जा रहा हूं। अंदर से फीलिंग ये आ रही है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सियाचिन के शिखर तक पहुंचना ही था। और अंदर से अपने आप को मोटिवेट करते हुए और कैमरे में बातें करते हुए मैं फिर से आगे बढ़ने लगा सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप तक पहुंचने के लिए। ब्यूटी तो ब्यूटी होती है भाई, कुछ भी कहो, अगर आप मेहनत करके कोई चीज देखने जा रहे हो ना, मेहनत सफल होती है। फिर बेसिकली ना यहाँ पे एक एंड पॉइंट भी होगा कि आगे रोड नहीं है, अब उसके आगे आप जा नहीं पाओगे, तो वही एंड पॉइंट बेस कैंप है। और मेन बेस कैंप में शायद यार जाने नहीं देते हैं कि जाने देते, पता नहीं, देखते हैं वहाँ अगर कुछ खाने वाने को मिल जाएगा, सर आर्मी का कैफे है तो मिल जाएगा तो कुछ खावा लेंगे। और रहने का तो मेरे ख्याल से यार नहीं मिलेगा, रहने का कोई इंतजाम नहीं वहाँ, तो आपको वापस सुमुरी आना पड़ेगा या पनामिक रुकना पड़ेगा, वो जैसे भी हो ना आप कर सकते हो। वाह क्या नजारे हैं भाई, क्या नजारे हैं भाई, बहुत गजब। जुराबे पहन लेते हैं यार, ठंड बहुत लग रही है, ठंड बहुत है, और जरा नजारे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस वाले रास्ते से मैं आ रहा हूँ, और ये देखो नजारे यहाँ पे भाई बहुत ही गजब के, और वो ऊपर पहाड़ बहुत ही गजब यार, इसे नेक्ड आई से देखने में ना बहुत मजेदार लग रहा है। और पता नहीं आपको लग रहा होगा सही कि नहीं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो बहुत मजेदार है ना, वो बीच में ना बादल है पूरे, ये वाला जो है ना ये यहाँ पे ये पूरे बादल है, ठीक है। और कुछ ऐसा नजारा, ये देखो धुंध देखो कितनी बढ़ रही है, इसे कहते हैं सियाचिन बेस कैंप। बहुत ज्यादा धुंध है इस वाले रोड पे जहां मैं जा रहा हूँ, और देखो ऐसे धुंध बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं। ज्यादा देर यहाँ रुकना ना सही है नहीं कि मौसम इससे पहले बिगड़े, मैं फटाफट निकल जाऊँ और जुराबे पहन लेते हैं, बहुत ठंड लग रही है, बारिश नहीं हो रही है, रेनकोट पहनना काम कर गया मेरा, अब चलो हवा से बचाएगा, पानी से नहीं बचाएगा, तो पानी आएगा तो पानी से भी बचा लेगा। देख रहे हो ऊपर पहाड़ देख रहे हो भाई आप, मतलब सीन है भाई, कुछ भी बोलो, सीन तो है इधर, वाह बहुत मजेदार है भाई, कुछ भी बोलो। हमें ऐसे देखने में सही लग रहा है यार, रहने में सही नहीं लगेगा, नजारे तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है अपना देश, बहुत ज्यादा। ये पहाड़ देखो इसके ऊपर पूरी धुंध है भाई, गजब मजा आ रहा देख के। कोई बात नहीं चलते रहते हैं।
अभी यार मैं रुका हुआ हूँ इन पहाड़ों को देखने के लिए, उस वाली रोड से मैं आ रहा हूँ। और ये वाले पहाड़ ना मैंने इस वाले कैमरा से भी शूट किया, आईफोन से शूट किया, लेकिन वो बात आई नहीं रही है जो नंगी आंखों से देखने में आ रही है। बहुत ही खूबसूरत, ऐसा पहाड़ मैंने कभी नहीं देखा भाई। सियाचिन के पहाड़ हैं ये। ये देखो ऐसे ऐसे सियाचिन के पहाड़ है, ऐसे ऐसे काफी दूर तक है। मैं जब से आ रहा हूँ ना तकरीबन 2 घंटे से यार मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैं चलाया जा रहा हूँ, बारिश हो रही है चलाया जा रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे ऐसे पहाड़ आ रहे हैं भाई, बहुत ही गजब नजारा है यहाँ पे। और वहां पे ना पूरी धुंध है, पूरा ब्लैक कलर का माउंटेन है, उसके ऊपर देखो ये धुंध है पूरी। और ये देखो पूरा बर्फीला पहाड़ है ये, इन माउंटेन्स के ऊपर है ये, पूरा मतलब बर्फ से ढका हुआ है ये, समझ रहे हो। बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत अमेजिंग। चलो यहाँ से अभी बेस कैंप 7 किलोमीटर है, तो अब चलते हैं बेस कैंप में। अभी बहुत देर तक ना बारिश हुई जा रही थी, हवा भी चल रही थी, लेकिन मैंने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी पिछले 2 घंटे से, और मैं चले जा रहा हूँ। बस अभी 7 किलोमीटर और है और कोई भी नहीं मिल रहा था मुझे। अभी एक गाड़ी पीछे आ रही है और कोई नहीं दिखा मुझे इस रास्ते पे। मतलब है तो भाई मजेदार व्यू यहाँ देखने के लिए, लेकिन यहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं, अकेले ही आना पड़ेगा, समझ रहे हो। या तो किसी के साथ आप आ रहे हो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिलेगा। राहुल पांडे आ गए अपनी होंडा शाइन लेके। ये देखो जी यहाँ बोर्ड आया, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ सियाचिन वॉरियर्स का राज चलता है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। अभी हमें वहीं कहीं जाना है बेस कैंप के पास। ये है सियाचिन के पहाड़ भाई। अब 1-2 किलोमीटर ही रह गया बस, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है मेरे को। 2-2.5 घंटे का सफर करके ना यहाँ तक पहुंचना, वो भी अकेले सोलो राइड पे होंडा 125cc पे। अमेजिंग फीलिंग हो रही है भाई मेरे को। खुशी है भाई, खुशी। बस सियाचिन के ग्लेशियर देखे हमने, सियाचिन के पहाड़ आपको भी दिखाएंगे, बने रहो। सियाचिन के पहाड़ भाई, राहुल पांडे आ गए सियाचिन के पहाड़ में। और आज क्या है डेट, आज है 19 तारीख 19 जून 2024 के दिन। ये है सियाचिन बेस कैंप का बोर्ड, वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप, नो ड्रोन जोन, ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ। अच्छा यहाँ बुला रहा है, यहाँ पे होगी हमारी एंट्री। जैन सर, खराब मौसम में क्यों है? वहाँ तो धूप था, यहाँ आके बीच में देखा कि बारिश और खराब हो गया मौसम। नाम बोलो। राहुल कुमार पांडे। गाड़ी का नंबर बोलो। DL3S। मोबाइल नंबर बोलो। ठीक है। फिर से हल्की हल्की यार बूंदाबांदी हो रही है, यहाँ से गाड़ी घुमा लेते हैं। तो फाइनली यार हमारी एंट्री हो गई है कि हम सियाचिन बेस कैंप आए थे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये, समझ रहे हो। यहाँ एक मेमोरियल बना हुआ है पीछे, वहाँ है सियाचिन का बोर्ड। ओ भाई बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है मेरे को इस समय, आई लव सियाचिन है। चलो जहाँ तक जाने देते हैं वहां तक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाने देंगे तो वापस आ जाएंगे और क्या। मैं आ चुका हूँ यार अभी सियाचिन बेस कैंप के पास, इससे आगे जाने नहीं देते। और आसपास के पहाड़ इतने ज्यादा खूबसूरत है ना यार, बहुत ही अमेजिंग है। ऊपर माउंटेन्स के ऊपर धुंध है ना, बहुत गजब की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ओपी बाबा का मंदिर, जैसा कि आपने नाथूला पास में सुना होगा, बाबा हरिश बाजे हैं यहाँ पे, ओपी बाबा यहाँ पे रक्षा करते हैं। ये है कुछ नजारा सियाचिन बेस कैंप का, और ये है ओपी बाबा का मंदिर, और ये खड़ी है अपनी शाइन। ये देखो पहाड़ देखो, आसपास के बहुत गजब है। ये देखो यहाँ से आगे मतलब जाना नहीं है, और ये देखो बहुत गजब के हैं भाई। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। ये है कुछ आसपास का व्यू, ये देखो ये है अमेजिंग पहाड़ भाई, ये देखो क्या मस्त व्यू है, देख रहे हो। ये वाला पहाड़ बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा मतलब ये जो आप बता रहे हो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है, तो यहाँ पे ये हर कोने में अलग अलग पोस्ट बनी हुई है, पूरा ऊपर ऊपर बने हुए है, ये बेस है। अच्छा ऊपर भी है? हाँ जी, हाँ। इन पहाड़ों के ऊपर सेना है? सेना है। ओ सेना है सर, लेकिन है अमेजिंग यहाँ पे, मतलब ऐसे मौसम में लड़ना। अभी तो हम जून के महीने में आए, जहाँ दिल्ली में लोग मर रहे हैं गर्मी से, समझ रहे हो,
और मतलब दिसंबर जनवरी में यहाँ लोग कैसे मतलब सेना रहते हैं। सैल्यूट है इंडियन आर्मी का, सैल्यूट है। सो दिस इज द मेन बेस कैंप। आप कहाँ से आए? मैं तुरतुक से, बेसिकली तुरतुक से। अच्छा, तुरतुक में कैसा है कल्चर? बहुत अच्छे से, बाल्टी कल्चर है। बाल्टी कल्चर है, अच्छा। 1971 के बाद वी सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, इंडियन आर्मी ने 1971 में वहाँ से भी कैप्चर किया था। अच्छा, विलेजेस आफ्टर 1971 कैप्चर इंडियन आर्मी। पहले तुरतुक पाकिस्तान का हिस्सा था। अच्छा, 71 की लड़ाई में, फिर 71 की लड़ाई में वहां से भी ले लिया था, यहाँ से भी ले लिया था। अच्छा अच्छा, दिस इज द मेन विजय फ्रॉम द इंडियन साइड। ओके ओके, लेकिन मैं और भी जगह गया हूँ, जैसे जंस्कार में भी गया हूँ, ऐसे पहाड़ नहीं देखे मैंने वहाँ। लेकिन जंस्कार में मैंने इससे बड़ा ग्लेशियर देखा, क्या पता यहाँ से छोटा लग रहा हो वो। लेकिन वो तो जस्ट दिस इज द ओनली मेन बेस ऑफ द सियाचिन। हाँ हाँ, और इसके ऊपर होगा ना ग्लेशियर, तो मेन तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा उस पूरा रस्सी के साथ। वहाँ हमें जाने नहीं देंगे ना, यहाँ हमें तो यहाँ से ही जाना। बहुत सही, बहुत सही है। सो दिस साइड ऑफ द माउंटेन इज वेरी यूनिक, आपने देखा होगा। मैं पिछले 2 घंटे से ही, मैंने कैमरा वमरा कुछ नहीं निकाला था, बरसात इतनी हो रही थी। मैं दिल्ली से, हाँ दिल्ली से आया हूँ मैं, बस इन पहाड़ों को देख रहा था कि ऐसे डिजाइन वाले पहाड़ कहीं नहीं मिल रहे हैं देखने को। और यहाँ इस रोड पे ना ज्यादा कोई आता भी नहीं, बहुत इक्का दुक्का गाड़ी मिली मुझे तो। तुरतुक गया आप? नहीं, तुरतुक जाना था लेकिन मैं गया नहीं, टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं तुरतुक के बारे में आपसे पूछ रहा था कि वहाँ कैसा है। कोई तुरतुक जाएगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स है। अच्छा जी, वाटरफॉल्स है। अच्छा, वहाँ कल्चर है, डिफरेंट टोपोग्राफी है। अच्छा, माउंटेन वहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी है। अच्छा, सारे एप्रिकोट्स का आपको पेड़ देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, सच यूनिक डिफरेंट ही है वहाँ पर। एक्चुअली थोड़ा मेरा वो टाइम कम था, तो वहाँ से तकरीबन मैं हुंदर गया था, कल हुंदर रुका था मैं, वहाँ से 88 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। 88 जाना फिर आना, 88 तो सारा दिन उसी में लग जाता, ये छोड़ जाता फिर। मैंने फिर वो छोड़ के यहाँ सोचा मैंने ये कर लेता हूँ, वहाँ से भी लास्ट बॉर्डर मिलेगा। हाँ, ये भी लास्ट बॉर्डर, ये भी लास्ट बॉर्डर है। यहाँ से कोई ऐसा रास्ता नहीं ना कि उधर चले जाए, यहाँ से जाएंगे तो फिर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, तो चाइना पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएगा। ये वाले पहाड़ भी बहुत सही लग रहे हैं, बहुत अमेजिंग है। और इनके ऊपर ये व्हाइट वाले तो बादल है, बादल है सर, बादल। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बहुत सही लग रहा है, बहुत सही है, बहुत सही। ये देखो ये पूरे बादल है, बादल है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है खुली आंखों से देखने का ना सर, वो कोई भी कैमरा कितना भी महंगा, खुद पहुंचना चाहिए। हाँ, ये सब वीडियोस में देखता था मैं। हाँ हाँ, सही सही सही। अब आके देखने में जो बात है ना, ग्राउंड पर पहुंचना चाहिए ना सर। हाँ, क्लियर हम नजर रहना चाहिए। तो यही था यार यहाँ की वीडियो में, अभी चलते हैं आगे, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं थोड़ी। ये अभी हाईलाइट हो रहा है ना सर। हाँ, सिर्फ एक ही साल हो गया। हाँ, अभी जल्दी में ही खुला, ये पहले खुला नहीं था शायद। हाँ, परमिशन देखिए, सिर्फ एक साल हो रहा है। अच्छा, पहले नहीं था ना, यहाँ नहीं छोड़ते थे, पनामी से आगे बिल्कुल नहीं छोड़ते। हॉट स्प्रिंग है ना जी, अभी धीरे धीरे ये भी हाईलाइट होने वाला है। बहुत सही लग रहा है, लेकिन जल्दी हाईलाइट। हम खुद यहाँ लद्दाख के तुरतुक को होकर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, तो आज तक क्यों नहीं आया? मैं भी बिजी रहना है, बिजी रह गया ना सर, यहाँ पढ़ाई करने लगा, जॉब मिल गया, जॉब में बिजी रह गया। तो आप कहाँ रहते हो? तुरतुक में रहते हो, कहीं जॉब करते हो? ले में जॉब कर लेता हूँ। अच्छा, फाइनली यार यहाँ से अब चलते हैं, फोटो वीडियो बहुत सारी हो गई है, कुछ लोग मिले थे तुरतुक के, तुरतुक की कहानी भी मैंने आपको बता दी, क्या सीन है वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ से। सियाचिन भी हो गया अपनी जिंदगी में, सियाचिन भी देख लिया हमने। इस समय यार भूख बहुत ज्यादा लग रही है, चलते हैं यार आर्मी के कैफेटेरिया में कुछ खाते हैं। तो फाइनली यार इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैंने कैफेटेरिया में खा लिया था खाना, और आप भी आके यहाँ पे मतलब भूख लगे तो यार खा सकते हो। इस वाली वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे तो यार लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो यार कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।